यस फ्रेंड, तो ये जो इस समय जो 16th और ये 4th को अश्विन नक्षत्र था, इन्होंने डियरिंग डिसीजन दिया, लेकिन ये 16th को क्या था, 16th को मून बाजी चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में जब मून आता है तो उसमें जो डिसीजन दिया गया, चित्र नक्षत्र में जब मून होता है तो आदमी बहुत ही स्केयर्ड होता है, कैन नॉट टेक डिसीजन, है ना, इतना डरा हुआ होता है, सो मच स्केयर्ड। मैं बताता हूँ कि चित्र नक्षत्र में अगर कोई पैदा होता है, उसमें मून चित्र नक्षत्र में था, चित्रा नक्षत्र कौन सा, 14th नंबर नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र कैसे, यहाँ पर अश्लेषा, मघा, पूर्व फवनी, उत्तर फवनी, हस्ता, चित्र, चित्र नक्षत्र 14th नंबर आ गया, 9 यहाँ तक, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14th नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है। अगर अश्विनी से आप स्टार्ट करते हैं, अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृषा, आर्द्रा, पुनर्वशु, पुष्य, अश्लेषा 9th नक्षत्र, फिर मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, चित्रा 14th नंबर नक्षत्र। तो इस समय 16th फरवरी को जब डिसीजन को वापस लिया गया तो मून बाजी चित्रा नक्षत्र की जो कंडीशन होती है बहुत ही फियरफुल होती है, मीन जब मून चित्रा नक्षत्र में होता है तो काफ़ी डमाडोल हो जाता है, आदमी स्क्यर्ड हो जाता है, डरा हुआ हो जाता है। देखिए क्या है, दोज हु आर बॉर्न इन, क्योंकि सभी के लिए कॉमन होता है। अब देखिए, अगर हम 100 को 1.27 × 100 करें तो लगभग 3 point something आएगा, क्योंकि 3 point something के लगभग 3.5% रख लीजिए, 3.5% लोग पूरे वर्ल्ड में इस नक्षत्र में पैदा होते हैं। हर नक्षत्र में जो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में आप पैदा हुए, ऐसे लोग कितने हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, जितने लोग पैदा होते हैं इस नक्षत्र के अंदर, 27th नक्षत्र है ये, कोई सा नक्षत्र ले लीजिए, 27th ये ले लीजिए, अश्लेषा नक्षत्र ले लीजिए, क्योंकि हर नक्षत्र 27 नक्षत्र में से प्रत्येक नक्षत्र अपने में यूनिक होता है, तो उसकी परसेंटेज निकालो कितने लोग पैदा होंगे इस नक्षत्र के अंदर वर्ल्ड ओवर, उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी जाएंगी, ऐसे लोग होंगे, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉमन चित्र होता है उनका, सेम इसी टाइप की भावनाएं पाई जाएंगी उन लोगों के अंदर, ठीक है ना। महात्मा गांधी के जो नक्षत्र हैं वो अपना जन्म का नक्षत्र वो अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी और पैदा हुए लोग कैसे होते हैं वो भी देखिए, 1.27 × 100 30 से डिवाइड करोगे 100 को तो लगभग 3 point something आएगा, 33 90 होता है, तो यहाँ भी 27 × 3 81 होता है, तो 81 इज 3 point something वैल्यू आएगी, 3.5 रखिए, 3.6 रख लीजिए, आप डिवाइड करके देखिए तो इतने परसेंट, ओनली 3.5 3.5% लोग इस नक्षत्र में पैदा होंगे पूरे वर्ल्ड ओवर, है ना। इस तरह से एक एक नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग आप कितना हो सकते हैं, 4% रख लीजिए मैक्सिमम, अगर किसी एक नक्षत्र में ज़्यादा पैदा लोग, एक साल कभी बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं सपोज करो कभी, तो लगभग पूरे वर्ल्ड ओवर 3.5% और 4.5 रख लीजिए, 4% रख लीजिए, 4% लोगों का ये सेम नक्षत्र होगा। इस टाइप के लोग काफ़ी ऐसे होंगे, इस टाइप के होंगे जो नक्षत्र बता रहा है। तो मैं बताता हूँ महात्मा गांधी का नक्षत्र जो था वो था अश्लेषा नक्षत्र। अब देखिए, ये जो अश्लेषा नक्षत्र है यहाँ पर मून जो है चंद्रमा वो किसमें है, 27 degrees 46 minutes पे है, 27 degrees 46 minutes। अब जैसे मैंने बताया कि 9th नक्षत्र जो होता है, 9th नक्षत्र वो लगभग 30 degrees तक होता है, यानी पूरा चौथा जो साइन है कैंसर साइन, जो कि मून का अपनी राशि है, तो मून अपनी राशि के अंदर एंडिंग नक्षत्र में है, नक्षत्र की एंडिंग क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में मून है। तो महात्मा गांधी के जो नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है, और जिस दिन ये जो हुआ था डिसीजन उन्होंने वापस लिया था उसमें चित्रा नक्षत्र में मून था, तो मून चित्रा नक्षत्र में आ जाए तो लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, दुश्मनों से डरते हैं, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। देखिए क्या नक्षत्र है, इसका मैं बता रहा हूँ आपको, सफर फ्रॉम हंगर एंड दे आर एक्सट्रीमली फियरफुल, दो पीपल हु आर बॉर्न इन चित्रा नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, एक्सट्रीमली फियरफुल होते हैं, है ना, लो माइंडेड होते हैं, सफर फ्रॉम हंगर एंड ट्रबल्ड इन माइंड, माइंड में एकदम परेशान हो जाते हैं, ट्रबल्ड हो जाते हैं, दे आर वीक, बहुत ही वीक होते हैं, एंड परवस्ट सेक्स, और वो उनका अजीब सा माइंड होता है, सेक्स भी उनका अजीब होता है, पर्स पर्स में सेक्स होता है, मीन्स परवस्ट मीन्स नॉट ऑफ नॉर्मल टाइप, है ना, एबनॉर्मल टाइप की उनकी सिचुएशन होती है सेक्स की भी,
जो सेक्सुअल पावर होती है वो भी एबनॉर्मल सी होती है. दे आर ट्रबल्ड बाई देयर एनिमीज, दुश्मनों द्वारा परेशान हो जाते हैं. महात्मा गांधी दुश्मनों द्वारा परेशान हो गई थी नौसन, इसलिए परेशान होकर के उन्होंने डिसीजन वापस ले लिया. चित्रण चित्र में अगर ये मून आता है उस समय, जब कभी भी, तो माइंड उस समय डमाडोल हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, दुश्मनों से डर लगता है, ये लगता है. अगर किसी आदमी का बचपन से ही ऐसा है, उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, सब उसका मनुष्य का जो जन्म नक्षत्र है वो चित्र नक्षत्र है, तो यू विल फाइंड दैट पर्सन इज ऑलवेज फियरफुल फॉर्म इज एनमी, हमेशा एनमी से परेशान रहता है, हमेशा डरा रहता है, निर्भीक नहीं होता है ना. डर मतलब उसके अंदर डर जैसे घुसा हुआ होता है. इस टाइप का कोई डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होती है, लेने में काफ़ी डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, बोलने मतलब दैट इज द कंडीशन. अब आते हैं महात्मा गांधी जी का जो वो है नक्षत्र, वो है अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं वो देखिए जरा. तो महात्मा गांधी का मैं ये नहीं कह रहा महात्मा गांधी जी आपको कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इस टाइप की जो एक नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो उसी नक्षत्र के टाइप के लोग मैं जैसे मैंने कहा ना 3.5% के आसपास होते हैं, क्योंकि 1.27 वन नक्षत्र है 27 में से एक नक्षत्र. तो 1.27 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज निकालोगे, 27 से डिवाइड करिए 100 को, लगभग 3 point something आएगा. 27 3 81 81 एक बार गया, फिर बचा जितना भी 19 बचता है, लगभग 19 में 10 बढ़ा लीजिए, फिर 27 से डिवाइड किया तो पॉइंट आ जाएगा 3 point something है ना. तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 10 लगभग पॉइंट ही आएगा लगभग है ना. तो 3.5% यानी 3.5% लोग इसी नक्षत्र में एक नक्षत्र पैदा होते हैं, उसी तरह के नक्षत्र में इस तरह से परसेंट निकाल सकते हैं. तो आप जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को समझने के लिए आपको नक्षत्र की क्वालिटी, मून किस नक्षत्र में है, तो ये जो आदमी की पर्सनैलिटी को दिखा देता है, वट टाइप ऑफ पर्सन इज मेंटली, वो कैसा आदमी होगा, इस टाइप का डिसीजन होगा. अब महात्मा गांधी जी का जो नक्षत्र है उसको बताते हैं. उनका नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, दो बॉर्न इन अश्लेषा नक्षत्र आर क्रूअल, वेरी वेरी क्रूअल होते हैं. क्रूअल मीन्स थोड़ा सा मीन्स हिंसक टाइप होते हैं, क्रूअल टाइप के, काफ़ी दूसरों के प्रति हिंसा रखते हैं. डेयरिंग बिंग साहसी होते हैं एंड एंग्री गुस्सा वाले होते हैं. दे प्रोबेबली कोहैबिट विद पीपल ऑफ सेम सेक्स, लेकिन होमोसेक्सुअल टाइप होते हैं, सेम टाइप के लोगों के साथ में सेक्स कर सकते हैं, ऑफ होमोसेक्सुअल्स हैं और पीपल ऑफ सेम सेक्स एंड एनिमल्स लाइक काउ, और एनिमल्स के टाइप भी सेक्स कर सकते हैं, इतना उनके अंदर सेक्स पावर ज़्यादा होती है. तो दे कैन कोहैबिट विद और हैव सेक्स और कैन डू द सेक्स विद एनिमल्स लाइक काउ. ओके, अकॉर्डिंग टू यह अकॉर्डिंग टू नरसिंह प्रयोग पारिजात, एक नरसिंह प्रयोग पारिजात ग्रंथ है, उसके हिसाब से जो इसी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का से रिलेटेड ग्रंथ है, उसके अंदर ये दिया हुआ है इसकी क्वालिटी नक्षत्र की. ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र की. दे ट्रैवल एमलेसली, ये लोग एमलेसली ट्रैवल करते हैं, बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर घूमते रहते हैं, एमलेसली ट्रैवल करते हैं. डू अनडिजायरेबल जॉब्स, अनडिजायरेबल काम करते हैं. देन हार्मफुल टू हिज ओन मैन, अपने ही लोगों के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, अपने लोगों को धोखा देते हैं, अपने लोगों के लिए परेशानी उठाते हैं, मतलब वो नहीं करते नेचर में, लेकिन हो जाता है तब वो देखते हैं. दे आर एंग्री एंड सफर ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स स्टारवेशन, और काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और सेक्स स्टारवेशन में काफ़ी परेशान रहते हैं, सेक्स की उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा झलक होती है, ललक होती है. दे हैव द डिजायर ऑफ सेक्स, सेक्स स्टारवेशन की वजह से वो सफ़र करते हैं. दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सेक्स स्टारवेशन. ओके, दे आर एंग्री एंड स्ट्रॉन्ग लाइक लॉइन, लेकिन काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और शेर की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. डेवलप इनमिटी विद हिज ओन पीपल, अपने ही लोगों से, अपने ही घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, जो अपने लोग हैं उनसे उनके साथ में दुश्मनी हो जाती है. हाईली स्टिंजी, बहुत ही क्या विचू होते हैं, पैसे के लिए पैसा काफ़ी डिपॉजिट करते रहते हैं. विचू मतलब होता है पैसे को खर्च नहीं करते, काफ़ी स्टिंजी होते हैं यानी स्टबॉर्न, और काफ़ी ढीठ भी होते हैं. ढीठ मतलब अपनी बात को मैंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपने विचारों को, अपनी बातों को, हमेशा उस पर टिके रहते हैं. दे आर क्रूअल टू ऑल बींग्स, अपने सभी लोगों के साथ क्रूअल रहते हैं. पे फाइन्स बाई डूइंग सिनफुल एक्ट्स, काफ़ी वैसी चीज़ें करने पर, इलीगल काम करने पर, और उनको फाइन भी देना पड़ता है. अनस्टेबल माइंड उनका अनस्टेबल रहता है, कभी एक जगह टिका नहीं रहता. जैसे मैंने कहा साइन उनका मूवेबल साइन भी है, तो और ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि साइन मूवेबल हो लग्न में तो वो आदमी परेशान रहता है, लाइफ में कभी भी स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकता, कभी
पीछे कभी आगे कभी पीछे, तो उनका डिसीजन स्टेबल नहीं हो सकता है ना। अनस्टेबल माइंडेड होते हैं, अनस्टेबल माइंडेड एंड फियरफुल और डरे होते हैं। दे आर ऑलवेज ओके सैड, हमेशा दुखी रहते हैं। एंड सर्व अदर्स, वो दूसरों की सेवा करते हैं। शॉर्ट टेम्पर, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। एंड वेरी हार्ड पर्सन, सॉरी वेरी वेरी बैड पर्सन, और अच्छे लोग नहीं होते। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माइंड तो ठीक है, माइंड को डिपेंड करता है, लेकिन कुछ और प्लैंथ की जो कंडीशन हैं, जो प्लैंट की पोजिशन हैं, क्या क्या फॉर्मेज, देखिए एक तो मून अपनी राशि में है, पहली बात तो, लेकिन राशि रखते हैं 10th हाउस में और राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु के साथ मून की जो पोजिशन है वो अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसे लोग काफ़ी। अब जैसे राहु के साथ में जो पोजिशन मून की होती है, तो कैसी पोजिशन होती है मून की, द पीपल आर नॉट ट्रू, आई मीन काम कुछ और करते हैं, कुछ और दिखाते, इस टाइप की नेचर होती है उस आदमी की जिसका मून राहु के साथ में हो। यानी दे आर नॉट एक्चुअल पीपल, दे आर नॉट रियल पीपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वो छिपाते हैं कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ करते हैं, कुछ और दिखाते हैं। दैट इज दैट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, बिकॉज मून इज व्हेन राहु एफ्लिक्ट मून, राहु व्हेन मून वो था एनिमी टू ईच अदर, एनिमी कल होते हैं राहु, राहु इज एफ्लिक्ट मून, तो मून के साथ राहु बैठने से द पीपल आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, वेरी क्रूअल एब्यूसिव टाइप की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, है ना, पर्सनल उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, दे दो पीपल आर एब्यूजिंग, दूसरों को गालियाँ लगाते हैं, तो गाली गलौज वाले लोग, मतलब उनका बिहेवियर है, दिस इज बिहेवियर, बट ओपनली, बट दूसरों के साथ में जैसे सबके साथ सामने बात कर रहे हैं तब दूसरी बात हो सकती है, लेकिन पर्सनल जो बिहेवियर है दैट इज नॉट प्रॉपर वन बिकॉज ऑफ मून। देन मार्स, मरकरी और वीनस, ये तीनों लग्न में बैठे हों, लेकिन बारहवें घर में सन है, सिक्स राशि में यानी कन्या राशि में सन है, सूर्य बारहवें घर में, और सेकंड हाउस में सनी है, दोनों ही मैलिफिक हैं इस राशि के लिए, लग्न के लिए, लग्न में जब तुला राशि है, तुला राशि के सन नेगेटिव होता है इसमें, क्योंकि बारहवें घर में बैठा हुआ है। हालांकि ये 11th लॉर्ड 12th हाउस में जाने से एक तो काफ़ी एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च हमेशा करते ही रहते हैं, देख कैन नॉट सेव मनी, मनी सेव नहीं कर सकते, कितना स्टिंजी, तभी तो स्टिंजी होते हैं। स्टिंजी होने का मतलब यहाँ पर यह है कि सन भी 11th लॉर्ड जो है वो 12th में जाने से दे आर वेरी मच आई मीन सो मच एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पर्सन, एक्सपेंसिव काफ़ी होते हैं, मीन्स बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं, दे कैन नॉट सेव मनी। अच्छा देन, और सन बारहवें घर में और ये द मैलिफिक लग्न को तो दोनों तरफ से घेरते हैं बारहवें घर में और सेकंड हाउस में, तो आदमी इम्प्रिजेंट होता है, जेल हो सकती है, तो वो जेल में काफ़ी रहे, ये दिखाता है यहाँ से एक ही बात, इम्प्रिजेंट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये सन और जैसे शनि की पीरियड आया होगा, सन का पीरियड आता है, तो इनको मैं इनका हॉरोस्कोप में अलग से कभी लूँगा, डिस्कस करूँगा महात्मा गांधी जी का, तो इनके बारे में क्या क्या और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी लोग ना हर चीज़ को छिपाते हैं। बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इफ एंड बट्स, और इफ एंड बट्स जब आप समझते हैं देन यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल पर्सनैलिटी, किसी की एक्चुअल पर्सनैलिटी में कभी अच्छे पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कभी नेगेटिव पॉइंट कम होते हैं, कभी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होते हैं, अच्छे पॉइंट कम होते हैं, तो वो इस तरह से बैलेंस होता है हर चीज़ की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एवरी पर्सन इज हमेशा ऑलराउंड होता है, थ्रू आउट कोई कमी नहीं होती है, है ना, दे आर ऑलवेज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, कोई ना कोई कमियाँ हो सकती हैं, इसलिए वीकनेसेस एंड गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, ऑल थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड अबाउट, हमेशा सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, शुड बी डिस्कस्ड अबाउट, राइट, अदरवाइज क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था, बर्निंग हुई, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया गया, है ना, वन टाउट किया गया, रात को जला दिया गया, 22 लोगों की डेथ हो जाती है महात्मा गांधी, इसमें चोरी चोरा कांड की वजह से ही 4 फरवरी को हुआ था, अभी इसी मंथ में 4 फरवरी को एनिवर्सरी मनाई गई थी इसकी, चोरी चोरा कांड की, और पूरे इंडिया में इस एनिवर्सरी को मनाने के लिए, क्योंकि अब ये 22 में पैदा हुए ना, तो 100th में वो है सेंचुरी मनाई जा रही है, एनिवर्सरी में तो 100 ईयर्स मनाई जाती है, 1922 और दिस इज 21 स्टार्ट हो गया, 21 में अभी 100 ईयर्स पूरी हो जाती है, तो इसलिए 4 फरवरी को